जानकारी के अनुसार थाना जहानाबाद क्षेत्र के गांव अडायन निवासी मेकुलाल का 27 वर्षीय पुत्र महेंद्र कल शाम एक दोस्त के घर खाना खाने और खेत पर लेटने की बात कहकर निकला था। जब यह बात पिता को पता लगी कि महेंद्र खेत की रखवाली करने के लिए खेत पर गया है, तो उसके पिता लगभग रात 1:37 बजे उसको देखने के लिए खेत पर गए तो देखा महेंद्र का खून में लथपथ उसका शव पड़ा हुआ था। उसके सिर पर किसी धारदार हथियार से प्रहार किया गया था। मामले की सूचना पर थाना जहानाबाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर PM को भेज दिया है। वहीं परिजन ने दोस्त पर खाना खिलाकर हत्या कर आरोप लगाते हुए थाने में नामजद तहरीर दी। थाना जहानाबाद पुलिस मामले की तहरीर पर थाना क्षेत्र के ही गांव वासपुर निवासी दोस्त राकेश पुत्र होरी लाल के खिलाफ अभियोग दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं SP मनोज कुमार सोनकर ने मौका मुआयना कर थाना जहानाबाद पुलिस को हत्या का शीघ्र ही खुलासा करने के निर्देश दिए हैं। पीलीभीत मनोज सोनकर की रिपोर्ट। टावर पर सब बुलाए के माको मार दो, पर सब बुलाए लो टावर पैसा है। हमने कही लला तू काहे को आओ, ए मा किसन बुलाओ है फोन करके, हमने कही कितने बुलाओ बता बुलाए। बस मार दो उसे, ले जाके दारू पिया के मार दो, गड़सन से काटो है बंकन से है। 5-6 जने रहे हैं, रोटी खाई पता ना किसके घर खाई थरिया तरक ना आया है सुना है। कौन लोग हैं बोलो ना, काई मिल रही है इना के मुसा है कछुआ है ना ले। पर जाना बात खाने में एक युवक की मौत हो गई है, क्या पूरा मामला क्या है? ये अंडरन गांव है जहानाबाद क्षेत्र, यहाँ रात में सूचना मिली कि एक व्यक्ति की मर्डर कर दिया गया, जिस पर स्थानीय पुलिस और सभी अधिकारीगण मौके पर पहुंचे तो गांव के बाहर एक छप्पर सा था, उसके नीचे उसकी बॉडी पड़ी हुई थी, जिसके गर्दन पे चोट के निशान थे। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए उसमें भेज दिया गया और उसके परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई उसमें समुचित धाराओं में FIR दर्ज कर ली गई।